महाभारत से किसकी जानकारी मिलती है? क्या जानकारी है महाभारत में विराट नगर की? पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। अच्छा, और कोई बात? और क्या जानकारी है? बताओ देंगे, कोई जानकारी नहीं। क्या क्या पांडवों ने अज्ञातवास में यहां पे किसके पास बिताया, कौन था यहां पर? यहां पे राजा विराट हुआ करते थे। राजा का नाम क्या था? राजा विराट का शासन था। पांडव यहां पर अज्ञातवास बिताने के लिए आते हैं। कौरवों ने कहा था कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात, और यदि अज्ञातवास में किसी को दिख गए तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। पांडवों ने 12 साल का वनवास जैसे तैसे काटा, काटने के बाद आपका कहां चले, तो 500 पांडव और द्रौपदी अलग अलग वेशभूषा बनाकर विराटनगर के अंदर घुसे और विराटनगर में नौकरी करने लग गए। जैसे भीम रसोईया बन गया था। भीम क्या बन जाता है? भीम को पता था भूख ज्यादा लगती है, यदि और कोई काम करेंगे तो क्या पता मालिक रोटियां खिलाए नहीं खिलाए, इसे अच्छा रसोई में बैठ जाएंगे, वहां पे लोगों की भी बनाएंगे साथ में खुद भी खाते रहेंगे वहां पर, है ना। द्रौपदी जो थी, वो द्रौपदी राजा विराट की रानी हुआ करते थे, उनकी दासी बन गई थी कि मैं आपके काम कर दूंगी। अर्जुन बड़ा जोरदार रोल करता है, ब्रहन अल्लाह, क्या बन जाता है? ब्रहन अल्लाह, करण जौहर बन जाता है ना। आप जल्द जल्दी समझे ना, आप मैं पूरा समझाऊं इसके अपेक्षा। और राजा विराट की राजकुमारी हुआ करती थी उत्तरा। राजा विराट के एक बेटे थे, उनका नाम था उत्तर, राजकुमारी का नाम था उत्तरा। तो राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाता था अर्जुन। राजकुमारी उत्तरा को डांस कौन सिखाएगा? अर्जुन ने कहा मैं सिखा दूंगा डांस। तो अर्जुन वहां पे ब्रहन अल्लाह बना हुआ था एकदम, और राजा विराट के शासन में। उधर जानकारी मिली, द्रोणाचार्य को एक दिन जानकारी मिली कि 500 पांडव और द्रौपदी है वो किसके राज में रहने लग गए आपके, राजा विराट के शासन काल में, विराट नगर के अंदर रहते हैं वहां पर। तो द्रोण ने कहा दुर्योधन को, दुर्योधन वहां पर है, अभी पकड़ लेंगे तो फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। राजा विराट के पास फोन किया दुर्योधन ने, कि राजा विराट तुम्हारे राज्य में हमारे 5 लोग और 1 लुगाई घूम रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और पकड़ के दिया जाए। राजा विराट ने कहा ना, हमारे पास तो ऐसे कोई लोग नहीं, अरे तुम्हारे राज्य में नौकरी कर रहे हैं। नहीं, अब वो अलग अलग आए थे तो कैसे पता चले कौन से 5 आए थे, एक किसी टाइम में आया किसी टाइम के अंदर आया। तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास। तो वापस कौरवों की सभा में बातचीत हुई कि अब क्या किया जाए। द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने काम करते हैं, अपने विराटनगर पर हमला कर देते हैं और हमला करके विराटनगर की गायें चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? सच्चा क्षत्रिय होगा वो गायों की लूटपाट को देख नहीं पाएगा, निकलेंगे बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तब अपने उनको पकड़ लेंगे। और ऐसे दिन आक्रमण किया जाए जिसे युधिष्ठिर नहीं हो, वो समझदार है, वो इनको बाहर नहीं निकलने देगा, बाकी वाले तो बेटे डफोल है आ जाएंगे बाहर, वो नहीं निकलने देगा इनको कहीं ना कहीं। कहा कि भाई इनको, युधिष्ठिर को। तो एक दिन पता चला कि राजा विराट और युधिष्ठिर खुद तो शिकार खेलने के लिए गए हैं कहीं पर। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ में शतरंज वतरंज खेलने का काम करता था उनके, राजा विराट साथ ही रखते थे कि तू थोड़ा सेना आदमी है साथ में ले ले अपने। तो इधर से कौरवों ने हमला किया, कौरवों ने हमला किया तो सेना सेना आई भाग के। राजा विराट के बेटे थे राजकुमार उत्तर, क्या नाम था? दो थे, उत्तर और उत्तरा। उत्तर के पास आगे, राजकुमार उत्तर अपने राज्य पर हमला कर दिया और हमला करके अपने गायें चुरा के लेके जा रहे हैं। राजकुमार उत्तर ने कैसे कैसे कर देंगे हमला, अभी चलो, अभी के अभी मैं जवाब दूंगा उनका, आप सेना का सेनापतित्व करेंगे? हाँ मैं करूंगा, मैं राजकुमार हूं। तो ठीक है मेरा रथ लाओ बाहर। तो पता चला कि जो सारथी था वो अब्सेंट था, सारथी राजा विराट के साथ में चला गया था। तो वो जो घोड़ा चलाने वाला, रथ चलाने वाला, कैरियर चलाने वाला, वो तो है ही नहीं अपने पास में, सारथी तो है ही नहीं, अब क्या किया जाए। तो द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं बता दूं एक सारथी, तो यदि तुम उसको ले जाओ तो। कहा बताओ कौन? कहा वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता ना। उत्तर ने कहा वो जो घुंघरू बुंगरू बांध के घूमता रहता है वो चला रहा। अरे बहुत अच्छा चलाता है, पहले वो एक राजा के रथ ही चलाता था, एक दिन बता रहा था, हम तो सुन रहे थे उसकी बातें। बुलाया अर्जुन को, अर्जुन आया लिपस्टिक वगैरह लगाया हुआ इधर उधर। अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम चला दोगे रथ? अर्जुन ने कहा हाँ ब्रहन अल्लाह तुम रथ चलाना जानते हो, कहा चला दूंगा। गए भाई मैदान के अंदर, उतरे वहां पे, मैदान में जाते सामने कौरवों की तरफ से महारथी महारथी बैठे हुए थे, दुर्योधन दुशासन जयद्रथ सब बड़े बड़े, तीरों की बारिश हुई उधर से, बारिश हुई। तो उत्तर भाग गया, उत्तर ने उत्तर दे दिया और उसने अर्जुन को कहा कि मोड़ अपना रथ, मोड़ ले वापस चलेंगे, नहीं लड़ाई होगी अपने से। अर्जुन ने कहा अरे रुक तो, लड़ तो सही, जवाब दे वापस थोड़ा सा। तो उत्तर ने देखा जवाब दे मतलब तुझे क्या पता क्या लड़ाई होती है क्या नहीं होती है, मैं जानता हूं ना कैसे लड़ाई है। अरे कहा नहीं नहीं आपको लड़ना चाहिए। उसने कहा तू चला रहा है कि नहीं चला रहा है? उसने रथ नहीं मोड़ा, नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर उतर के ही भाग गया।
तो अर्जुन उसके पीछे भागा। अर्जुन ने कहा तुम्हें लड़ना चाहिए। उसने कहा मैं क्यों लड़ू, नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन ने उसको पकड़ा और पकड़े कहा तू केवल बैठा रहा, लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा हैं राबड़ी के दंतम खाओ, मतलब तू लड़ेगा। अर्जुन ने कहा अरे मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडव हूं मैं, ये घुंगरू वुंगरू खोलूंगा अभी। तब उसने कहा अच्छा अर्जुन जी हो गया, मुझे पता ही नहीं था, चुपचाप बैठ जाना वहां जा गया ऐसे मुझे। पर आप लड़ोगे कैसे, आपके पास हथियार ही नहीं है। अर्जुन ने कहा हथियार भी है मेरे पास में। अर्जुन का तीर था, उसका धनुष का नाम क्या था, गांडीव। तो कहते अर्जुन जब घुसा था ना अंदर विराट नगर में घुसा था, तो उसने अपने गांडीव एक बरगद के पेड़ पे टांग दिया था, एक बड़ का पेड़ था उस पर टांग दिया था। और उसने जब वहां टांगा था अपने धनुष को, तब हाथ जोड़े थे कि हे धनुष देवता, मैं आप 12 महीने तक यहीं पड़े रहोगे, मैं अज्ञातवास काट के आऊंगा, आप पे धूल लगेगी, मिट्टी लगेगी, बरसात होगी, मैं वापस जब भी आपको उतारूंगा तो पहले आपको गंगा नदी में धोऊंगा, पवित्र करूंगा, उसके बाद ही आपको चलाऊंगा, तब तक मैं चलाऊंगा नहीं। अब अर्जुन उस बरगद के पेड़ से उतारने की कोशिश करे तो तीर उतरे नहीं। वो कहते हैं बरगद का पेड़ थोड़ा ऊंचा हो जाए, अर्जुन थोड़ा बेचारा ऊंचा हो तो वो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। फिर अर्जुन के समझ में आ गया ये बात थी, तो उसने वापस हाथ जोड़े कि धनुष देवता आप एक बार हाथ में तो आओ, मैं आपको धो के चलाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बरगद नीचे हुआ, उन्होंने गांडीव लिया, अर्जुन ने गांडीव अर्जुन ने लेके और धरती के अंदर तीर मारा, धरती में बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए नदी आती है बाण गंगा। कौन सी नदी आती है, उस बाण गंगा से उस धनुष को धोया, धनुष को धोके अर्जुन लड़ता उस युद्ध के अंदर। अर्जुन ने जैसे ही पहला तीर मारा, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है कहा सर आपको क्या पता, उसने कहा नोट्स मेरे हैं। अर्जुन ने पहला तीर जो था वो द्रोणाचार्य के पैरों में मारा था, तो उसने कहा ये मेरे पैरों में तीर है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है हे गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध शुरू करने जा रहा हूं। वो गुरु के चरणों में आशीर्वाद ले रहा है, और अब देखना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। भीष्म ने कहा आ गया। भीष्म पितामह से भी लिया जाए आशीर्वाद, उनसे भी लिया जाना चाहिए। अब युद्ध शुरू हुआ तो भाग गई कौरवों से, ना भगा दिया था। द्रोणाचार्य को भागते हुए अर्जुन पकड़ लेता है, अर्जुन पकड़ता है। द्रोणाचार्य हंस के कहते हैं कि अर्जुन न पकड़ने से क्या फायदा हुआ, इनको प्रस्तुत होना था, वापस जाना था ना जिस दिन, वो तीन चतुर्दशी 14 के दिन पहुंचना था इनको। कब पहुंचना था, 14 के दिन। इनको 8 दिन पहले वो युद्ध हो गया था, छठ के दिन हो गया था वो युद्ध। कब हो गया था, छठ के दिन हो गया था। जब तो 8 दिन पहले अर्जुन को पकड़ देख लिया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने 8 दिन पहले देख लिया तेरे को। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण ये कौन बताएगा कि आपने 8 दिन पहले देख लिया, कम मैं बताऊंगा और कौन बताएगा, कम मैं मार दूंगा ये, वरना एक कागज पे लिखो कि मैंने अर्जुन को 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने डरते हुए लिखा कि भाई मैंने अर्जुन को इस दिन लिखा था, सोगन खाओ यही बात कहोगी वहां सभा में, उनका ताबरंग सोगन है मेरे, यही बात बोलूंगा मैं वहां। बात आई गई होगी। वापस आए तो पहले राजकुमार उत्तर आया भाग के, राजकुमार उत्तर, तब तक विराट और युधिष्ठिर वापस आ गए थे। तो पहले कोई नौकर आया और नौकर ने आके कहा राजा विराट को कहा सेना जीत कर आइए, शानदार युद्ध जीत कर आए हैं वापस। उनको पता चल गया था कि युद्ध हो गया, तो राजा विराट ने कहा कि बेटा किसका है, मेरा बेटा नहीं जीत के आएगा तो युधिष्ठिर बेटा था। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ब्रहण अल्लाह की वजह से जीते हैं। तो मतलब राजा विराट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने थप्पड़ मारा खींच के, नाक तोड़ दी थी युधिष्ठिर की, खून निकाल दिया था। तो खेल रहे थे वो, पत्थर ज्यादा पत्थर मारे, शर्म नहीं आती तुझे, मतलब वो जिताएगा, तू मेरे बेटे पे अंगुली उठाता है। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आया और उसने कहा पापा ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये दूसरे हैं, कौन है ये, तो ये अर्जुन है। तो राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ, राजा विराट इनसे माफी मांगते हैं। जब पता चलता है पांडव है, जब उनको पता चला है महारथी अर्जुन खुद है, तो राजा विराट कहते हैं कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, अनमेल विवाह नहीं। अर्जुन की उम्र बहुत बड़ी थी, राजकुमारी उत्तरा बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा तुम्हें शादी करनी है हमारे परिवार में, मेरे बेटे के साथ कीजिए, अभिमन्यु के साथ कीजिए। किसके साथ कीजिए, तो बाद में राजकुमारी उत्तरा की शादी किसके साथ में की गई थी, तो अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों के फुंपोसा है भाई, अपने बुआ जी होगी उतरा, कुछ ना कुछ तो लगती होगी है ना। और तो अपने वाले फुंपोसा पंगा ले गए थे, चक्रव्यूह में घुस तो गए थे, बाहर आया नहीं था निकलना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो अश्वत्थामा को तो मारा है राजकुमारी उत्तरा के चक्कर में था। अश्वत्थामा ने कहा था कि भाई मैं राजकुमारी उत्तरा प्रेग्नेंट थे, तो राजकुमारी उत्तरा प्रेग्नेंट है, मैं इनके गर्भ में इस बच्चे को समाप्त कर दूंगा, तो पांडवों में तो कोई नहीं बचेगा, मैं इन सबको मार देंगे, पांडवों ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि तो राजकुमारी उत्तरा प्रेग्नेंट, उसका बच्चा जिंदा रह जाएगा, तो पेट तोड़ देंगे, उसका गर्भ भी तोड़ देंगे। तो वो जब कहते हैं ऐसा कि वो जब मारने के लिए आ रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी, इसलिए वो लड़का जब पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया था परीक्षित, रक्षित बच्चा था, इसलिए नाम क्या रखा गया उसका। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने कहा कि इतने खून खराबे के बाद मेरे से तो राजा आज बना जाए कल बना जाए,
राजा जिसको बनाया गया था उस बंदे का नाम क्या था? परीक्षित। तो आपने विराटनगर वालों का भांजा, बाद में पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बना था, नाम क्या था इसका? राजा परीक्षित, बाद में सम्राट बने थे। पहले बड़ी बात, तो ये जानकारियां मिलती, ये जानकारियां कौन सी किताब से मिलती है? तो महाभारत से। कौन सी किताब से? महाभारत। तो कहते हैं कि भाई जब वापस पांडव, अब पांडवों का अज्ञातवास 14 को कंप्लीट हुआ, 14 को कंप्लीट हुआ तो पांडव पहुंचे और पांडव ने कहा कि काटे है साहब, कीजिए हिसाब, आधा आधा राज्य कीजिए वापस, यहाँ हमें पूरा राज्य दीजिए हमारा जो भी है। और दुर्योधन हंसा क्या, ओए इस अर्जुन को तो हमने छठ को ही देख लिया था, तो कौन, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि आपने मुझे छठ को देख लिया था, पूछ लो द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य को पूछा, भाई कब देखा था? उनका नहीं, हमने तो 14 को देखा था, सौगन खा के आए थे। इसलिए गांव में आज ही बोलते हैं कि छठ की 14 कौन कर दे, अर्जुन कर दे। छठ की 14 एक ही आदमी ने कर दी थी, किसने कर दी थी? अर्जुन ने कर दी थी, अर्जुन के अलावा किसी से छठ की 14 तो नहीं। आई बात समझ में? तो अक्सर गांव में कोई डोकरी डायलॉग दे जाते हैं, अरे किसी छठ की 14 करे है, तो छठ की 14 अर्जुन कर गया था इसलिए डायलॉग है। यूं ही कहावतें नहीं बनती है, उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तब मुझे और हंसी आती है जब कहते हैं कि महाभारत गल्प है, ये तो काल्पनिक चरित्र है, कल्पनाओं पे कहावतें नहीं बनती है, कभी कहावतें बनी इसका मतलब कुछ ना कुछ वो करेक्टर रहा होगा कभी ना कभी। तो विराटनगर याद रहेगी बात,